मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल इंडिया का समय है, हम सभी लोग जागरूक हैं, बाकी हमारे मेंबर्स प्रोग्राम चलाकर जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले क्लॉक टावर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी ओर से चलाई जाती है। थानों में हमारे ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर पालन हो रहा है या नहीं, इसे लेकर थाने का निरीक्षण किया। थाने पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं पाई गई है। निरीक्षण के दौरान सभी कुछ संतोषजनक मिला है, लेकिन सफाई को और बेहतर करने का निर्देश दिया है। मानव अधिकारों की पालना के सवाल पर अध्यक्ष ने कहा, हमारा पुलिस स्टाफ कानून से आबद्ध नागरिक है, आमतौर पर पुलिस की कोई शिकायत नहीं आती है, कभी कभी कोई शिकायत मिलती है तो प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं, जो भी दोषी होता है कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। हाँ, आज मैंने जो है वो क्लॉक टावर अजमेर का निरीक्षण किया है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के नाते जो भी ह्यूमन राइट्स हमारे जो है नागरिकों के हैं, उनके पूरे अधिकारों के बारे में जो संवैधानिक और विधायी नियम है वो प्रॉपरली डिस्प्लेड है, और सब कुछ यहाँ मैंने निरीक्षण में ठीक पाया है। छोटी मोटी कमियाँ हैं, जैसे साफ सफाई की, वो जरूर उनको इंगित की गई है और वो दुरुस्त करवाएंगे हमारे CEO साहब और इंस्पेक्टर साहब। देखिए, बाकी मेरे सामने यहाँ कोई समस्या आज नहीं आई है। जो रजिस्टर हैं यहाँ जो है वो अभिरक्षा रजिस्टर है, अरेस्ट रजिस्टर वगैरह सारे मैंने देखे। मालखाना जरूर कुछ है, वो इसका डिस्पोजल का मैंने कहा है, उसका जो भी विधि सम्मत डिस्पोजल होगा हमारे अधिकारी करवाएंगे, मैंने निर्देश दिए।